Good morning, dear student. How are you? I hope you all are fine. As you know, we have finished our exercise 3.3 in our previous video. Today we are going to start our exercise, our next exercise 3.4 in this video. So let's begin. So dear student, our first question of exercise 3.4 is: Tell whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain. हमें ये बताना है कि कौन सा जो वर्क है वो पॉसिबल है, नहीं है, या ऐसा हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये हमें बताना है. ओके तो ये जो पर्टिकुलर जो वर्क होता है आपकी, कोई भी पर्टिकुलर वर्क होना या नहीं होना, ये हमारे एक पर्टिकुलर टॉपिक है मैथ में, उसका नेम है प्रोबेबिलिटी. ओके तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी. ओके आई विल एक्सप्लेन अबाउट द प्रोबेबिलिटी टू यू. प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, कैसे ये हमारे काम आती है, इन सब बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर वन इज यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे. यानी आप कल से बड़े हो गए, ठीक है. आप क्या है, आपकी जो एज कल थी, क्या वो आज आपकी एज कल वाली एज से ज़्यादा होगी? यस. आर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें सिर्फ ये क्वेश्चन क्या है प्रोबेबिलिटी वाले, कॉमन सेंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि हमारी कॉमन सेंस कितनी अच्छी है. ओके तो आर क्वेश्चन नंबर वन इज, आप क्या है, कल जो आपके बीता हुआ दिन है यस्टरडे, क्या उससे आज आप बड़े हो गए? बड़े हो ही गए यार, एक हमारी एज बढ़ गई एक दिन की. ओके तो फर्स्ट का क्या होगा, यस. ओके सेकेंड वन इज, इसका सेकेंड क्या होगा, द टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप. क्या आपने जो कोई कॉइन है उसका टॉस किया है तो क्या वो हमेशा हेड साइड पे गिरेगा? नहीं यार, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो हम लिख देंगे इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल. ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है. थर्ड वन इज, द डाई वेन टॉज शेल लैंड अप विद एट ऑन टॉप. क्या जो आपकी जो डाइस है, डाइस जानते हो ना आप जो सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो वो आप देखते हो ना, वो आपके जो डाई होती है आपके, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर होते हैं, तो क्या वो हमेशा आप जब भी गिराओ तब 8 ही आएगा? नहीं भाई, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, कुछ भी आ सकता है. ओके तो इसका भी आंसर आएगा इट नॉट ऑलवेज हैपन. ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है. ओके देन अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ वाले की, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. क्या जो अभी ट्रैफिक लाइट जो जल रही है, हो सकता है आप देखो ट्रैफिक लाइट अभी ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है और येलो भी होती है. ओके तो क्या हमेशा ट्रैफिक लाइट जो हमेशा अभी जल रही थी, क्या वो हमेशा ग्रीन ही होगी? जैसे मान लो अभी रेड जल रही है, इसके बाद ग्रीन हो सकती है, ये अभी येलो है उसके बाद ग्रीन हो सकती है, लेकिन ग्रीन है तो ग्रीन के बाद ग्रीन ही आएगी क्या हमेशा ही? ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है. देन टुमारो विल बी क्लाउडी डे. कल क्लाउडी डे होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है भाई, हो सकता है गर्मी का दिन ही हो, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझते हुए इसके आंसर देने हैं. ओके अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है. प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, हमारे बहुत काम आती है, ठीक है. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे आपने देखा हमने कोई कॉइन को उछाला है ना, टॉस किया, तो आप देखते हैं यार कि हमारे पास दो कंडीशन आती है, या तो टेल आता है या हेड आता है, यही होगा, या तो टेल आएगा या हेड आएगा. अब आप देखो टोटल आउटकम कितने हैं, एक तो ये है और एक तो हेड है और एक टेल है, ठीक है. यानी टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, तो टू है. टू कंडीशन बनती है, या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें हेड चाहिए, ठीक है. हमें क्या चाहिए, ओनली हेड. यानी हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, हेड है. हो सकता है हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन टेल हो, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं करता, इट्स नॉट डजंट मैटर. तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ फेवरेबल, या फिर फेवरेबल लिखो या रिक्वायर्ड लिखो, फेवरेबल या फिर रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड आउटकम, आउटकम यानी जो हमें नतीजा मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। यानी हमारा फॉर्मूला क्या हुआ है, क्या होगा इसका, कि जो टोटल रिक्वायर्ड आउटकम, जो टोटल आउटकम है वो तो आपके डिनोमिनेटर में आएंगे, और जो हमें रिक्वायर्ड आउटकम है नंबर ऑफ, वो हमारे कहाँ आएंगे, न्यूमिनेटर में। जैसे आपने क्या है, एक कॉइन को टॉस किया, तो हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड। तो आप देखो जो कॉइन होता है उसके अंदर हेड कितने होते हैं, एक ही तो होता है, और उसके उसके फेजेस कितने होते हैं, दो होते हैं। इट मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके, 1/2। और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जब भी कोई वर्क 50% होने की आपके संभावना होती है, ठीक है, तो उसका जो आपके प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या आती है आपकी, 1/2। और अगर किसी वर्क के बिल्कुल होने की बिल्कुल जीरो प्रोबेबिलिटी है, यानी बिल्कुल भी नहीं होगा, उसका आंसर आएगा आपके जीरो। और जो वर्क आपके हमेशा 100% होगा, उसका आंसर आएगा आपके फुल ऑन 1। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, है ना, जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी डिस्कस किया है उसको आपको लर्न रखना है, भूलना नहीं है। ओके, देखो क्वेश्चन है, देर आर 6 मार्बल्स इन द बॉक्स विद द नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क। यानी हमारे पास 6 मार्बल हैं, हर मार्बल के ऊपर क्या है, 1 to 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं, जैसे एक के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें ये आंसर पूछा है इसने, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। यानी हमें ये बताना है कि हमें जो नंबर 2 है, सिर्फ हमें एक नंबर है जो 2, उसको किसी मार्बल के ऊपर ड्रॉ करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप देखो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का साइन होता है P। हमारा फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, आउटकम। ओके, तो अब बताओ टोटल कॉइंस कितने थे, सॉरी टोटल मार्बल कितने थे, 6, और हमें ओनली 2 नोट करना है। तो 2 तो आपके एक ही मार्बल के ऊपर नोट होगा, बाकी सब पे तो दूसरे नंबर होंगे, तो क्या आंसर आएगा हमारा, 1/6। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला आप खुद ट्राई करेंगे डियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्टेड टू गेम, ठीक है, एक कॉइन को उछाला गया, ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम विल स्टार्ट। तो हमारे टीम के स्टार्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अब आप देखो जो कॉइन हमने जो टॉस किया है उसके अंदर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है, दो ही चीज़ें आ सकती है। अब हो सकता है हमारी टीम ने हेड को डिसाइड, हेड को क्या कहते हैं चूज़ कर लिया हो, या हमारी टीम ने टेल को चूज़ कर लिया हो। तो आप देखो जब कॉइन टॉस होगा तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन क्या होंगी बेटा, 2 होंगी, और हमने हम क्या इन दोनों में से एक को ही तो चूज़ कर सकते हैं, दो दो को कैसे करोगे। तो आपने क्या किया, चलो हमने हेड को चूज़ कर लिया है, तो आपकी क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी टीम के फर्स्ट बैटिंग करने की, 1/2। ओके डियर स्टूडेंट, ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।